फ्रेंड्स, सीखो सिलाई में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ फ्रेंड्स आपको, कुर्ती की अगर बाजू ज़्यादा हो तो उसको कम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुर्ती ले ली है, इसकी बाजू बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लग रही है, तो इसकी बाजू हमें 2.5 या 3 ही रखनी है। तो हम 2.5 या 3 रखने के लिए हमें इसको छोटा कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे ये रेडीमेड कुर्ती है, सिली सिलाई है, तो हम इसकी पहले ये बाजू खोलेंगे। बाजू खोलने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करके फिर हम इसकी बाजू लगाएंगे। तो अब पहले हम इस बाजू को खोल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बाजू खोल ली है, इस तरीके से इसको पूरा खोल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर 3.5 का नाप लगा के, क्योंकि इसके नीचे पाइपिंग दे रखी है, तो फिर वापस अगर हम इसको नीचे से काट लेते हैं तो इसकी पाइपिंग की सेटिंग नहीं होगी, क्योंकि रेडीमेड कुर्ती है। और अगर आपको पाइपिंग नहीं लगानी है तो भी चलेगा। तो फिर फ्रेंड्स, हम यहाँ से इसका निशान लगा लेंगे 3 पे, ऐसे 3 पे निशान लगा के। और हम इस कुर्ती की जो गोलाई वो निकाल के इसका, इतना देखो इतनी छोटी हो जाएगी कुर्ती, क्योंकि हमें 3 इंच की ही रखनी है। तो अब इसकी जो बाजू है उसको फिटिंग के काट के फिर हम वापस कुर्ती के ऊपर लगा देंगे। तो पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग कर ली और छंट भी निकाल लिए। अब हम बाजू को कुर्ती पे सेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों बाजू है जो निकाल ली है और इसको बराबर फोल्ड करके कटिंग भी कर ली है। अब जो हमारी ये कुर्ती है उसके ऊपर हम इसको अटैच करेंगे वापस। तो ये हमारा सीधा साइड है आगे का, तो अब हम इसको पकड़ के यूँ इसके ऊपर वापस लगा देंगे। तो जो भी कुर्ती आपकी कुर्ती में बाजू लंबी लग रही हो या छोटी लग रही हो, तो आप उसको सेट कर सकते हैं घर पे भी आसान तरीके से। तो मैं अभी इसको लगाऊंगी, तो इस तरीके से हम इसको वापस जोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बाजू लगा दी है और बहुत ही अच्छी तरीके से आई है, अच्छी फिटिंग आई है इसकी। और इस साइड भी हमने लगा दी है, तो हमारे दोनों बाजू रेडी है। और आगे हम अब इसकी फिटिंग कर लेंगे, फिटिंग करके ये सूट हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने जो ये बाजू है वो लगा के और यहाँ से साइड से हमने फोल्डिंग करके इसको सेट कर लिया है। इसके अंदर से हमने फिटिंग कर दी है सूट की, तो ये बाजू हमारी रेडी हो चुकी है। तो इस तरह आप इसकी बाजू को कटिंग करके छोटा कर सकते हैं। नीचे की काटने की वजह से आप ऊपर से काटते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपको नीचे से कटिंग करनी है बाजू की, ऊपर से नहीं खोलना है, तो वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे फ्रेंड्स, ये सूट है मेरे पास, तो इसकी जो बाजू है वो फुल लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो पूरी 20 है और हमें इसकी 14 रखनी है। तो इस सूट के अंदर हमें, जैसे सूट है ना, तो इसके अंदर हमें ये बाजू की जो फिटिंग है, ये डिज़ाइन दे रखी है, वो हमें वापस 14 तक फिटिंग लगे उसके ऊपर लगानी है। तो ये बाजू हम नीचे से कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिज़ाइन है वो नीचे है और ये पट्टी खुल के हम वापस ऊपर लगा सकते हैं। तो अब मैं इसकी लंबाई है वो 14 रखूँगी, ये 20 या 22 होगी, ज़्यादा लंबी है। तो अब हम इसको छोटा करेंगे। तो ये देखिए, हम इसको नाप लेंगे पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस बाजू को ऐसे लगा लिया है और अब जस्ट इसके ऊपर हम इस बाजू को, दूसरी वाली बाजू को भी इसके ऊपर ही रखेंगे। जैसे ये है उसी के ऊपर हम रख के दोनों की साथ में ही कटिंग करेंगे, क्योंकि इनकी कटिंग अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग करने से हमारा आगे पीछे हो जाएगी। तो हम दोनों को साथ में कटिंग करेंगे। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप पहले एक को निकाल के उसके बराबर दूसरी को निकाल लेना, वैसे भी हो सकती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों बाजू है जो बराबर लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। और आप यहाँ से ध्यान रखिए कि ये जो मोढ़ा है वो बराबर सेट होना चाहिए, तो हमने बराबर ले लिया। अब इसके ऊपर हम इंची टेप रख के और यहाँ 14 तक निशान लगा लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमको फोल्ड भी करना है। तो हम 14.5 पे निशान दे के और इसको कट लगा देंगे, इस तरीके से कट लगा देंगे। तो ये हमारे दोनों बाजू एक साथ कट गई है। अब जो ये पट्टी बची है इसको हम खोल के और इसके आगे वापस जोड़ देंगे, तो बाजू है जो अच्छी लगेगी। तो अब हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो कटिंग की थी बाजू, उसको हमने आगे से इतना इतना खोल लिया है, क्योंकि इसको खोलेंगे तभी तो हम सिलाई लगा पाएंगे। तो हमने इसको खोल लिया है और ये जो पट्टी आगे लगी हुई थी इसको भी हमने उतार लिया है, जो बड़ी बाजू में हमने कटिंग की थी वहाँ लगी हुई थी।
तो इसको भी हमने उतार लिया है। तो अब हम इस पट्टी को ब्लू गट्टी लगा के इसको सेट करेंगे। तो हमने ब्लू रील लगा रखी है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि जब आप बाजू में पट्टी लगाएं तो बाजू को पहले इस तरीके से बराबर कर लें और एक बीच का निशान दे दीजिए। यहाँ पे जो आपका सेंटर है उसका एक निशान आ जाएगा यहाँ पर। तो आप अब इसको सीधी साइड में लगानी है आपको। तो फिर आपकी ये जो पट्टी है, मान लो छोटी हो, तो अगर आप इसमें सेंटर में एक निशान लगा लेंगे तो बराबर हमारा हिस्सा है जो दोनों साइड बराबर रहेगा। तो ये हमने सेंटर में निशान लगा लिया। तो अब जो देखिए हमने बाजू में जो निशान लगाया उस निशान को इस निशान पे मिला देंगे इस तरीके से। तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा बराबर है जो पट्टी है वो बराबर आएगी, ताकि हम जब जॉइंट लगाएंगे तो ऐसा नहीं होगा किसी साइड पट्टी ज़्यादा आ जाए किसी साइड कम आ जाए, वो नहीं रहेगा। तो अब जो हम ये पट्टी लगा रहे हैं तो उसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देंगे आधा इंच, और इसके ऊपर हम इस पट्टी को रख देंगे। आप चाहो तो पिछली साइड भी फोल्ड कर सकते हो, आप चाहो तो आगे की साइड फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको आगे की साइड में इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई मार देंगे और इसको आप फोल्ड करना चाहते हैं तो इसको भी थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए, और नहीं तो आप पहले इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए इस कपड़े को, ताकि आपकी फिटिंग और अच्छी आएगी। मान लो अगर लेस कम भी पड़ जाए तो गंदा नहीं लगे, तो आप इसको उल्टी साइड में ही फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं उल्टी साइड में आपको फोल्ड करके बता रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पाइपिंग है जो फोल्डिंग कर ली अंदर की साइड, क्योंकि इसमें थोड़ी पट्टी कम लग रही है तो हमने अंदर की साइड ही फोल्ड किया है। अब हम इसकी सेंटर को लेके और ये पट्टी भी फोल्ड कर देंगे। तो अब हम इस पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ लगाएंगे। पहले हम सेंटर इसका देख लेंगे, देख लिए। अब हम पट्टी को थोड़ा सा आगे से फोल्ड कर और इसके ऊपर अटैच कर देंगे ऐसे। तो ऐसे आपकी बाजू है वो बराबर आएगी। ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं घर पे ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पीछे की साइड भी फोल्ड करके ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम ये दूसरी वाली सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पट्टी है जो लग के तैयार हो चुकी है। देखिए बहुत अच्छी आई है। तो इसी तरह हमने ये बाजू पे पट्टी लगा के वापस इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमने खोला था वही हमें सिलाई करके इसकी फिटिंग करके और आप आराम से घर पे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बाजू लगा के कंप्लीट कर लिए। तो इसी तरीके से आप घर पे अपनी बाजू सेट कर सकते हैं, ब्लाउज़ की हो चाहे सूट की हो। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।